लखीमपुर में किसानों की हत्या और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में आज नवादा में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकालकर प्रजातंत्र चौक पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र और यूपी सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। NSUI के जिला अध्यक्ष सूरज सिंह यादव ने कहा कि मोदी और योगी के तानाशाही हुकूमत द्वारा लखीमपुर के निर्दोष किसान की हत्या कराया गया है। किसान की हत्या के विरोध में जब प्रियंका गांधी आवाज उठाई तो योगी सरकार द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि यह सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है जो अन्नदाताओं की हत्या करा रही है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार प्रियंका गांधी को जल्द से जल्द रिहा करे और किसान के हत्यारों को सजा दे, नहीं तो आगे जरूरत पड़ने पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर राहुल कुमार, कृष्ण कुमार आदि सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आदरणीय प्रियंका गांधी जी किसान विरोधी सरकार योगीनाथ जी के क्षेत्र में गए थे यूपी में, वहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बेगुना किसान की हत्या हो गई है, इसमें योगी सरकार का बहुत ही बड़ा योगदान है। योगी सरकार के पार्टी के उनके विधायक बीजेपी के उनके द्वारा उनका हत्या कराया गया। अगर किसान अपना हक मांग रहा है तो क्या हक मांगना गुनाह है? अगर किसान हमारे देश में पूरी तरह से खत्म हो जाए तो हमारा स्थिति बद से बदतर हो जाएगा, क्योंकि भारत देश अगर किसी नाम से जाना जाता है तो भारत देश के जो किसान हैं, जय जवान जय किसान के नाम से जाना जाता है। और यहाँ योगी सरकार और मोदी सरकार अपने एक से एक ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं कि छात्र विरोधी है ही, किसान विरोधी है ही, पूरा युवा जो है जनता कर रहा है आत्महत्या कर रहा है, और जो आत्महत्या करके बच रहा है किसान, जो लोगों का पेट भरना चाहता है उसकी हत्या करवा दी जा रही है बीजेपी के सरकार में। योगी आदित्यनाथ अभी तक चुप है और प्रियंका गांधी जी को अगर नहीं छोड़ा गया तो उग्र आंदोलन होगा, जो नहीं हुआ है वो इस नवादा की धरती पे होगा, पूरे बिहार में होगा। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नवादा से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।